ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਮਲੋਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ कि इस दौरान एक कार च सवार करीब 4 अणपछाते नौजवानों वालों उसते अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां, जिस दौरान वह गंभीर जख्मी हो गया ते उसनू उसदे साथियों ने मलोट दे सिविल हस्पताल च भर्ती करवाया, जिथे बाद च डाक्टरां वालों उसनू मृतक ऐलान कर दिता गया। इस घटना के तुरंत बाद सिटी मलोट पुलिस के मुख अफसर अमनदीप सिंह ने मौके ते पहुंच के स्थिति दा जायजा लिया। इस मौके पुलिस ने 2 दर्जन दे करीब चलियां गोलियां ते कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस इस मामले च कुछ भी कहण तो इनकार कर रही है। शराब दे ठेकेदार मनप्रीत सिंह मन्ना दी हत्या दी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर गैंग ने सोशल मीडिया ते चल रहे अपने फेसबुक पेज ते लई है। पता नहीं भाई जिम तो बाहर निकले सी बस भाई ते हमला हो गया। दो जने दिखे जी मैं बस कार सी उन्होंने को ब्रेजा गोलियां 20-25 गोलियां चलिया मेरे तो एक लत ते ही है बस बाकी बाई ते ही होया सारे ये भी नहीं पता मेरे शायद बाई ते किता हो मेरे कह के बज गया पर बाई ते ही है सारे फिर नहीं गड्डी बारी खुल लोग खुलिया गड्डी तो बारी नहीं खोलन दिती उन्होंने फायरिंग शुरू करती नहीं ओपन ही मूँह सी पर नवे कोई पहचान नहीं किसी की पता ही नहीं असी जिम तो बाहर निकले और सामने ही आया भाई स्काई मॉल जिम नेशन जिम के बाहर मैं भज के जिम वाल चला गया अंदरों बुला के लिया सारे इन्नी देर में भज चुके नहीं जी किसी नहीं पहचानता जी नहीं जी नहीं दुश्मनी का भाई हम कुछ नहीं पता भाई अनेरा हो गया मेरे अखा अगे मैनू कुछ नहीं पता जी देख रहे हो पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सुने पंजाब अते देश नाल हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ISO ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੀਅਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ।